हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच। तो आज फिर डिवाइन का एक मैसेज लाई हूँ आप लोगों के लिए। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिसके साथ जो रेजोनेट हो वो रीडिंग जबरदस्ती ना ले अपने साथ। ठीक है, तो देख लेते हैं आज क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, आज क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपसे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ केशव जी को, जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। सर, जिन्होंने मुझे डोनेशन दिया है, मुझे डोनेशन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, वेरी वेरी मच। आपके लिए कोई मैसेज है तो प्लीज लेते हैं। केशव के लिए कोई मैसेज बता दीजिए जिन्होंने मुझे डोनेशन दिया है। ओके, देखिए आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि किसी सिचुएशन से आप बहुत मुश्किल से बाहर निकले हैं। कोई संघर्ष जो आपके जीवन में काफी लंबा चला है और उस चीज से आपने डील किया है काफी लंबा। डरने की जरूरत नहीं है, अगर ये संघर्ष चल रहा है तो जीत आपकी होगी, क्योंकि जीत ऑलरेडी आपके लिए लिखी हुई है। बस लोग बेवजह आपके साथ, वो होता है ना कि आपकी सक्सेस को रोक देना चाहते हैं। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जैसा कि मैंने कहा है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही ले। जबरदस्ती रीडिंग अपने ऊपर ना थोपें। क्या मैसेज में आ रहा है? बहुत से मैसेजेस आना चाहते हैं, बहुत से मैसेजेस आना चाहते हैं, लेना नहीं चाहती हूँ। ओके, देखो आपकी लाइफ में ना कोई बहुत ज्यादा बर्डन डाल देना चाहता है, ब्लॉक कर देना चाहता है कोई आप। आपके जीव आपके लाइफ में आ रही एक नई शुरुआत को ना कोई रोक रहा है, कोई स्पेल करके। ठीक है, और ये जो भी पर्सन है, या इसकी नजर बेसिकली आपके पैसे पे है, या फिर ये पैसे वाला है, बहुत ज्यादा पैसे से बहुत प्यार है इसको, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों को बहुत ज्यादा नीचे गिराने में खुद को बहुत बड़ा करते हैं, क्योंकि खुद की औकात नहीं है बड़ा होने की। तो क्या किया जाए, फिर दूसरों को नीचे गिराया जाए। कॉम्पिटिशन जीतने का कुछ लोगों का फंडा ये रहता है कि सामने वाले को रास्ते से हटा दो और फिर जो है सामने आके खड़े हो जाओ बहादुरी के साथ और जीत जाओ, कंपटीशन जीत लिया। कोई यहाँ पे ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, किसी की औकात नहीं है आपके साथ डील करने की, आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं पा रहा, तो फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, बड़े बड़े पंगे ले रहा है। ठीक है, तो जो भी बंदा है ये अपने सर्वनाश के लिए बैठा हुआ है। द इम्प्रेस, ठीक है, कोई फीमेल है, कोई फीमेल है जो जबरदस्ती, या तो ये आप हो सकती है, या फिर ये कोई आपकी आपसे जलन करने वाली कोई औरत हो सकती है जो बेवजह आपसे अपना कंपटीशन कर रही है। द स्टार, ओके, देख लेते हैं। टू ऑफ पेंटकल्स, देखिए ये जो भी फीमेल है, ये पॉसिबल है कि ये आपकी कोई एनिमी भी हो सकती है, जलने वाली भी हो सकती है बेसिकली। हालांकि लोगों की खुद की हालत इतनी खराब है, उसके बावजूद भी लोग बेवजह दूसरे की लाइफ में अपनी टिप्पणी कुछ ना कुछ कर देना चाहते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप, हाँ, प्लीज।
दूसरे कार्ड से लेंगे हम। यहाँ पे ना कोई ना कोई आपके पीछे लगा हुआ है, बेवजह लगा हुआ है। तो ये चेक करना, ये जो फीमेल एनर्जी है क्या ये आपकी एनर्जी, या फिर ये कोई फीमेल है जो जबरदस्ती आप बनने की कोशिश कर रही है। मतलब कमाल की बात है, लोग घर में है ऐसे लोग को कि तो थर्ड पार्टी आ गई है, ये थर्ड पार्टी आप नहीं, ये कोई और है। जैसा कि मुझे लग रही था कि ये कोई बेकार फीमेल है जो खुद को बहुत होशियार समझती है और बेसिकली आपसे अपनी तुलना कर रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे कि आपका जो बुरा समय है ना वो खत्म हो चुका है, और ये जो लोग भी आपके लाइफ में जबरदस्ती अपनी टांग घुसाना चाहते हैं ना, इन लोगों के साथ भी आपका लेन देन खत्म हो चुका है। बट उसके बाद भी होता है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इसमें सर्वनाश के लिए ना बेफजूली पंगे ले रहे हैं आप, और कोई मौके की तलाश में जैसे बैठा हुआ है कि जैसे मौका मिले। और एक होता है ना जैसे वो बैटमैन होता है और ना बैट लेकर के बैठा रहता है, बैट्समैन जो होता है क्रिकेट खेलते हैं जो ना अलग वाला बैट्समैन, तो जैसी बॉल आती है पट से बस एक चौका छक्का लगाना होता है उनको। ऐसे कोई बैठा हुआ है जैसे कि कैसे भी करके बस एक मौका मिल जाए आपको तबाह करने का, और कोई जैसे खत्म कर देना चाहता है आपके जीवन को। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, तो देखो बहुत हैवी स्पेल भी चल रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना किसी मून साइकिल पर आपके साथ कोई एंटिटी अटैच करने की कोशिश की गई है, भाग्य को आपके खाने की जबरदस्त कोशिश चल रही है, ठीक है। जो जिधर से आया है उधर को वापस जाए, आपके भाग्य को खाने की जबरदस्त कोशिश चल रही है, आपके साथ कोई एंटिटी अटैच करने की कोशिश की गई है, ठीक है। यहाँ पर आप एक बहुत ही इनोसेंट कोई फीमेल या मेल हो सकते हैं, ज्यादातर तो मुझे यहाँ पर फीमेल एनर्जी आ रही है, ठीक है। किसी को ना अपनी ठाठ बाट की लाइफ जीनी है, किसी को बहुत कुछ चाहिए, तो अपने भाग्य को बनाने के लिए ना कोई आपकी ऊर्जा को चोरी करना चाहता है, जैसे आपके भाग्य को चोरी करना चाहता है, ठीक है। ये जो भी फीमेल है ये फीमेल अपनी किस्मत बनाना चाह रही है। तो देखिए यहाँ पर ना कुछ ऐसी एनर्जी आई है कि कोई फीमेल है जो कि बहुत लालची बोल सकते हैं आप उसे, कि बहुत ज्यादा लालची है, और काइंड ऑफ वो ना बहुत ज्यादा मास्टर माइंड टाइप कोई फीमेल है जो कि बहुत अपॉर्चुनिस्ट भी है, और उसने अपनी लाइफ में कोई भी चीज मेहनत और स्ट्रगल से हासिल नहीं की, उसने हमेशा अपना उल्टा सीधा दिमाग लगा कर, दिमाग चला करके ही उसने जो है छीना झपटी कर करके ही दूसरों से चीजें छीनी है अपने लिए। तो ऐसी कोई फीमेल है जिसने अपने लिए कुछ ना कुछ जो है किसी ना किसी तरह से किसी से छीन कर कुछ ना कुछ स्पेल करके कुछ ना कुछ बनाया है अपने लिए बेसिकली, ठीक है। तो बहुत सी उपलब्धियां उसने अपने लिए जो है क्रिएट कर ली, यानी कि यहाँ पे ये थर्ड पार्टी में, यानी कि ये जो फीमेल है ये बीच में आई है दो लोगों के बीच में, और इसने जो है किसी का हक जैसे छीन करना अपने लिए कुछ क्रिएट किया है, कुछ ना कुछ बनाया है। और अभी क्योंकि ऑफ कोर्स
किसी का हक अगर मारोगे तो कितनी देर जियोगे। तो यहाँ पे वही चीज है कि ये फिर से अपने उन्हीं जगलिंग में उलझ गई है, ठीक है, उलझ गई है ये, और उस जगलिंग से बाहर निकल नहीं पा रही क्योंकि इसने गलत तरीके से उस चीज को अपनी लाइफ में लेकर आई है। ये ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट है और ये अपने किसी भी उपलब्धि को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। बाई चांस ये इम्प्रेस की एनर्जी में आ गई है फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फीमेल है, मैंने जैसा कि बोला कि इसने कभी भी लाइफ में कुछ भी मेहनत करके अर्न नहीं किया, इसको हमेशा ही दूसरों से मिला है, यानी कि इसने दूसरों से छीना है, चालाकी से हासिल किया है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है कि बाई चांस इसको इतना सब कुछ मिल गया है, लेकिन क्योंकि ये उस चीज को संभाल नहीं पाई, क्योंकि ये एम्प्रेस नहीं है, ये एम्प्रेस है नहीं, ये बनने की कोशिश कर रही है, ये किसी से अपनी तुलना कर रही है, उससे तुलना करते करते इसने खुद को ऐसा बना लिया कि इसने किसी से उसका हक छीन तो लिया बट उस चीज को संभाल नहीं पाई है, ठीक है। तो बट अभी क्या हो रहा है कि उस चीज को हाथ से निकलता हुआ देखकर ये अब अपना बहुत ज्यादा उल्टा सीधा दिमाग यूज कर रही है और उस चीज को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि इसको बहुत प्यार है अपनी एक उपाधि से और अपने जो इसको दूसरों से जो चीजें बेसिकली मिली हैं, काइंड ऑफ कह सकते हो कि ये कोई संपत्ति हो सकती है, ये पैसा हो सकता है जो इसको दूसरों से मिला है, छीन कर मिला है, ये बहुत ज्यादा चालाकी से मिला है। तो जो कुछ भी इसको चालाकी से मिला है ये उस चीज को खोना नहीं चाहती है। और यहाँ पे वे दो लोगों के बीच में ना बहुत ज्यादा जैसे कुछ संघर्ष सा चल रहा है अपनी एक अगर ये किसी के साथ कनेक्टेड है फीमेल तो उस इंसान के साथ जो है इसकी काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और बहुत ज्यादा इन लोगों के बीच में एक अजीब सा इन्वायरमेंट है, क्योंकि ये अपनी उपाधि छोड़ना नहीं चाहती है, ये लालची बहुत है और जरूरत से ज्यादा लालच के चक्कर में इसने अपनी ये हालत कर ली है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जहां पर इसने किसी और को थर्ड पार्टी बनाया है जबकि थर्ड पार्टी में ये खुद रही हुई, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि अब इसको अपनी उपाधि जाती हुई नजर आ रही है तो ये कुछ ना कुछ षड्यंत्र अभी भी रच रही है। और यहाँ पर ये जो भी इसका पार्टनर है इसके साथ ये उसके रिश्ते कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो ये फीमेल अब किसी और के साथ कनेक्ट होगी, अभी किसी और के साथ ही षड्यंत्र रचना चाह रही है। यहाँ पे ना कुछ बहुत अजीब सी मिक्स मिक्स एनर्जी आई है, यानी कि पहले इसने चालाकी से किसी और का घर तोड़ा होगा, वहां से इसको कुछ अपॉर्चुनिटी मिली, फिर उस जगह पर ये ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई, तो फिर इसने एक अगला शिकार ढूंढा, फिर उसके बारे में इसका जो भी प्रेजेंट पर्सन होगा उसको पता चल गया, फिर उस पर्सन के साथ भी इन लोगों के जो है बहुत ज्यादा झगड़े हुए या बहुत सी चीजें हुई, और इसने जो है अपना बहुत ज्यादा एक होता है ना साइड ट्रैक कर लिया खुद को, यहाँ पे किसी और को ये इन दोनों लोगों के बीच में ले आई, ठीक है। यहाँ पर फिर से ये किसी और को बीच में ले आई और फिर से एक और लव ट्रायंगल बन गया है। तो अब जो भी इसका करंट पार्टनर है वो इसके ऊपर बहुत लगातार नजर बनाए हुए, ठीक है, ये जो भी पर्सन है इसके ऊपर लगातार नजर बनाए हुए हैं और बहुत ही क्लियर विजन और बहुत ही क्लियर डिसीजन है इसका कि अब ये पकड़ी जाएगी और ये जो कुछ भी इसके लाइफ में है ना ये सारा दिन चल नहीं पाएगा। यानी कि यहाँ पे बड़ी मिक्स एनर्जी आई है कि ये जो फीमेल है ना इसको किसी से कोई इमोशनल कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली अपने मौके को देखते हुए जहां इसका मन करता है वहां पर ये अपना डेरा जमा लेती है, तो ऐसे कुछ एनर्जी आ रही है। तो देखिए डिवाइन के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, वैसे मैं कार्ड शफल कर ही रही थी बट एक कार्ड जो है खुद से ओपन हो गया है, द लवर्स। तो यहाँ पर ना कुछ कोई हो सकता है कि कोई कपल हो सकता है या फिर कोई प्यार दो लोग करते होंगे आपस में, ये बीच में आ गई है उन दो लोगों के बीच में और इसने उन दोनों लोगों का रिश्ता खराब किया। और ये जो फीमेल है ये बहुत ज्यादा किसी स्पेल वगैरह जैसी चीजों से भी जुड़ी हुई है क्योंकि ये करती है अपने शिकार को परेशान करने के लिए करती है। यहाँ पर इसने किसी की जगह ली है और स्पेल वगैरह करके ही ली है,
तो देख लेते हैं आगे, द बर्डन। ओके, तो यानी कि आपके लाइफ में ना प्यार आ रहा है बेसिकली, और इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि ये कंपैरिजन भी करती है आपसे, जो कि मैंने कहा कि इसने ऑलरेडी किसी की जगह ली हुई है, कंपैरिजन भी कर रही है, और आपके लाइफ में अगर न्यू बिगनिंग आ रही है तो उन चीजों को खराब करने की ये भरसक कोशिश कर रही है। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, आपको बस अपना थोड़ा सा विजन चेंज करने की जरूरत है। आप बहुत तेजी से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी। न्यू विजन, आपको बस अपने विजन को चेंज करना है, और जो भी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं उन इंट्यूशंस पर तो बेसिकली बिलीव कीजिए, पर चीजों को देखने का नजरिया आपको बदलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी के लिए कोई फीमेल है, और जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ये मैरिड भी हो सकती है। द मिजर, आपके धन के ऊपर बड़ी नजर है, चोरी करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने बोला आपके भाग्य को चोरी करने की जबरदस्त कोशिश चल रही है, आपके भाग्य को चुराना चाहते हैं लोग। क्या कुछ सालों के संघर्ष के बाद आपने कुछ अचीव किया होगा? रिपनेस, तो मैंने कहा ही था कि जो बीज आपने बोए थे वो फल अब उग गए हैं, उनको काटने का समय आ गया है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पर आपको आपकी मेहनत का बहुत लंबे चौड़े समय की मेहनत का फल मिले, क्योंकि इससे पहले आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पाया। एंजल्स के मैसेजेस कुछ है, देखते हैं एंजल्स की इंपॉर्टेंस। रिलीज, आई रिलीज ऑल फियर एंड डाउट्स एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। तो हर तरह की जो नकारात्मकता आपको घेरे हुए है, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, फियर इश्यूज हो सकते हैं, डाउट और ट्रस्ट हो सकता है, हर चीज को रिलीज कीजिए और अपने आप को फ्री कीजिए, फ्रीडम के साथ आसमान में उड़िए, हर चीज आपके पास खुद चल कर आएगी। ऑथेंटिसिटी, आई एम ऑथेंटिक एंड ट्रू टू माई सेल्फ ऑलवेज। तो आपको जो है हर समय ऑथेंटिक रहना है, और अपने जीवन में आप क्या करेंगे, ऑथेंटिक लोगों को ही अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। बहुत ज्यादा छिछोरे या छोटे लोगों के बीच आप नहीं रहेंगे, और ताकि वो आपकी लाइफ में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना कर सके। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आई रिफ्लेक्ट ऑन माई थॉट्स एंड एक्शन एंड लर्न फ्रॉम देम। तो आपको जो है ना खुद को एक्सप्रेस करना है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है और एक्शंस को एक्सप्रेस करना है, और आपको जो है इन सभी चीजों से देखो सीखना है। आपको बेसिकली सीखना है अपना अंदर के आभामंडल को, यानी कि अपने अंदर की सेल्फ रिफ्लेक्शन को, ऊर्जा को आपको दूसरों के साथ साझा करना है। ठीक है, माइंड बॉडी कनेक्शन, तो अपने आपको मेडिटेशन करना चाहिए, अपने माइंड को, बॉडी को और सोल को, तीनों को अलाइन कीजिए, सो दैट कि आपकी अवेकनिंग जल्दी हो और आप चीजों को जल्दी समझ पाओ, क्योंकि मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा चीजों को इतना आसानी नहीं समझना। ओके, डोंट लेट द अगली इन अदर्स टू किल द ब्यूटी इन यू। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोगों के बीच में जो बहुत बुरा बर्ताव है आपको लेकर, कि उन चीजों को आप अपनी खूबसूरती को खराब करने ना दें। योर वाइब्स अट्रैक्ट योर ट्राइब्स, तो आप जैसे जैसे वाइब करेंगे आप वैसे वैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। लाइट अप अदर्स विद योर लाइफ, तो आपको जो है अपनी तरह दूसरों को भी रोशन करना है ताकि वो भी कुछ सीखें। इंटरनेशनल ट्रेवल, तो कोई इंटरनेशनल ट्रेवल आ रहा है आपके लिए। जजमेंट पास्ट इन स्पिरिचुअल कोर्ट, तो भाई स्पिरिचुअल कोर्ट में आपकी अर्जी लगा दी गई है। यू हर्ट मी, तो ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है जिसको बहुत ज्यादा आपकी याद आती है और वो आपके ऊपर स्पेल भी कर रहा है। स्टे वेयर योर प्रेजेंस इज वैल्यूड, आपको कहा जा रहा है आप वहीं पर रहिए जहाँ पर आपकी प्रेजेंस की वैल्यू होती है, जहाँ आपकी कोई वैल्यू नहीं है आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। एवरी वन हैज अ डिफरेंट क्लॉक, वेट फॉर योर टाइम, हर किसी के पास अपनी अलग ही घड़ी है, आपको जो है अपने सही समय का इंतजार करना है। मदर फिगर इज विच, तो ये कोई मदर फिगर है जो कि एक विच का काम कर रही है, काला पीला जादू करती है, गो अहेड, आपको कहा जा रहा है आप आगे बढ़िए और किसी से भी मत लीजिए। वेरी सून, वेरी सून, वेरी सून, समथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी वेरी सून। मनी इज फ्लोइंग टू मी फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, तो
तो अब जो है धन की बरसात होगी आपकी और चारों ओर से, आपके जीवन में पैसा तो आ रहा है चारों ओर से, तो ये बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और एक और अपडेट देना चाहती हूँ मैं, मेरा टैरो ट्रेनिंग कोर्स आ रहा है, एडवांस टैरो ट्रेनिंग कोर्स आ रहा है। 15 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो लोग भी इनरोल करवाना चाहते हैं बड़ी खुशी से करवा सकते हैं। मिडल में किसी का भी एडमिशन नहीं होगी, तो कोशिश कीजिए कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक ही आप लोग जो है सभी एडमिशन ले लें। ठीक है, तो आई होप मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कल फिर आऊंगी मैं एक बार मैसेज के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।